बच्चों इस बार नीट का एग्जाम 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने दिया। अब सभी बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। घोषणा की गई है कि आपका रिजल्ट जून के सेकेंड वीक में जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले आपको आंसर की आपको मिल चुकी है और ज्यादातर बच्चों को मालूम ही होगा कि उनके कितने आंसर ठीक हैं और उनका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, कट ऑफ में उनके मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, कट ऑफ कितनी रहने वाली है इसका किसी को पता नहीं होता। लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ आपकी 530 के आसपास रहेगी, थोड़ा कम रहेगी पिछले साल से, क्योंकि इस बार एक तो फिजिक्स का एग्जाम आपका कठिन रहा है, पहले में तो हमेशा ही होता है, नीट वालों के लिए फिजिक्स का पेपर हमेशा एक चुनौती रहा है, हमेशा कठिन ही रहता है, क्योंकि फिजिक्स में नीट के स्टूडेंट इतने अच्छे नहीं होते हैं, आईआईटी के बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं फिजिक्स को। उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर भी थोड़ा इस बार कठिन रहा है और जूलॉजी का पेपर थोड़ा लेंदी था। इस हिसाब से आपकी जो मेरिट है पिछले साल के मुकाबले इस बार डाउन जाने वाली है और परसेंटाइल के फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आपका कब आ सकता है? आज दिन है आपका संडे, तो सेकेंड वीक स्टार्ट हो रहा है और सेकेंड वीक के अर्ली आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है आपका रिजल्ट ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कैसा रहता है। हम सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं भाई, जिसकी जैसे उम्मीद की है उसे उसके मार्क्स ऐसे ही आने चाहिए और ऊपर वाला करे आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही है, जैसी न्यूज़ मिलती है मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।